हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने लाया हूँ एक 5-पिन प्लग, दो स्विच, दो 2-पिन सॉकेट, एक इंडिकेटर और एक बैटन होल्डर। इसकी वायरिंग मैं आपको बताऊंगा, जरा ध्यान से देखिए, वीडियो छोटा ही बनेगा क्योंकि मुझे और भी बोर्ड का वायरिंग बनाना है। इसलिए पहले होल्डर से दो तार गए, एक ही स्विच में गया, बाकी सीधा एक आ गया अर्थ मेन में। फिर दो 2-पिन का लेके डायरेक्ट इसमें डाल दिया, फिर 2-पिन का और स्विच का लेके इसमें डाल दिया, और इधर से इंडिकेटर में आ गया, और इधर से दूसरा बाहर निकल गया और ये इंडिकेटर का बाहर निकल गया। फिर इधर से मेन में ये आ गया, फिर इधर गया, फिर इन दोनों के बीच में आर्थ दे दिया। इसे अपने दिमाग में बैठा दीजिए एक बार, और आपको बाद में अपने आप समझ में आ जाएगा। और ये दोनों मेन तार इधर से निकला, जो लाइट का सप्लाई होता है वो इधर से देने का, और मैं इसको टेस्टेड करके भी आपको बताऊँगा। ये देखिए, मैं आपको पहले टेस्टेड करके बता रहा हूँ, पहले मैं ये 2-पिन डालूँगा, 2-पिन टेस्टेड होगी, 2-पिन डायरेक्ट की है जो मैंने, देख लीजिए आप, ये हो गया ना। फिर इसके बाद ये वाला, ये भी हो गया ना। फिर स्विच है, ये हो गया ना। फिर उसके बाद एक बल्ब होल्डर का भी रहा है, तो वो मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, ये हो गया, और इधर से बंद शुरू हो जाएगा, इधर से हो जाएगा। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।